हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अ राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी विद साइड्स 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हाइट के राउंड इसको रिवॉल्व किया गया है इस तरह से, तो ये क्या बना रहा है, एक कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। सो राइट डाउन, लेट एबीसी बी आर राइट ट्रायंगल, एबीसी बी राइट ट्रायंगल विथ एबी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC is equals to 13 centimeter. If this triangle is revolved around the side, triangle is revolved around the side 12 centimeter, it forms a cone with radius BC is equals to 5 and height AB is equals to 12 centimeter. हमें क्या find करना है, volume of the solid so obtained. कौन सा solid बना यहाँ पे, cone. So volume of cone 1/3 pi r square h. Pi को हमने as it is रखा, चाहो तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो आंसर, क्योंकि यहाँ पे पाई में है तो हम पाई में सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस इज 5 एंड हाइट इज 12, 3 4 आर 12, 5 5 आर 25 इंटू 4 100, पाई सेंटीमीटर में था सो सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर तो गिवन नहीं होगा, आपके बुक में आंसर पाई में है इसलिए मैंने पाई में छोड़ दिया आंसर को, अदरवाइज आप चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 22/7, सो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, दोबारा से बता रही हूँ, हमें कहा है कि एक राइट ट्रायंगल है एबीसी जिसकी साइड है 5, 12 एंड 13, अगर इसको 12 सेंटीमीटर साइड के अराउंड रिवॉल्व कर दिया तो ये कोन बना रहा है जिसका रेडियस 5 है और हाइट है 12। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन, कौन सा सॉलिड बना, कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई रेडियस इज 5, हाइट इज 12, 3 4 आर 12, 25 इंटू 4 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब या 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब।